एएलपी का किया है जनवरी में, अभी टेक्नीशियन का हो रहा है, उसके बाद दूसरी और कैटेगरीज ऑल डिसिप्लिन्स, डिफरेंट डिसिप्लिन्स, उसमें एक के बाद एक असेसमेंट होगा और फिर रिक्तियों का सूचना दी जाएगी। तो उसमें अब सेकंड जो बच्चों का था टेक्नीशियन, उसके लिए एडवांस स्टेज में है कैलकुलेशंस, और बहुत जल्दी उसका भी नोटिस आ जाएगा। उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, और ये हमने एडवांस नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, इसमें आप देखेंगे ये, हाँ ये है एडवांस नोटिफिकेशन के सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस साइकिल, हाँ द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एएलपी इज प्रोविजनली प्लान्ड टू बी इशूड इन जनवरी 25। एडवांस अगला साइकिल कब शुरू होगा? बच्चों को लग रहा था कि नहीं पहली बार की तरह ऐसा होगा, तो हर साल आएगा तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एग्जाम रिलैक्सेशन और एग्जाम का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन का दे दिया नोटिफिकेशन, एंड एग्जाम का साइकिल भी इशू कर दिया, किस दिन एग्जाम होगा, जून जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, अगस्त तक स्टेजेज में चलता है ना, कई स्टेजेज में होता है साइको टेस्ट वगैरह वगैरह, और उसके बाद जनवरी में नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा, उस बीच में रिजल्ट आ जाएंगे, तो बच्चे ज्वाइन करेंगे और जो अनसक्सेस रहे वो फिर तैयारी शुरू करेंगे, फिर एग्जाम आ जाएगा। तो अब हर साल एवरी ईयर नियुक्तियाँ और वैकेंसीज असेस की जाएंगी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक साल करने के और चार पाँच साल करने उसके क्या क्या नुकसान थे वो स्टडी किया, आप सबने भी महसूस किया, अब हम हर साल किया करेंगे, तो उसी दिशा में हम इस सभी को बच्चों को क्लेरिफाई करना चाहते हैं। एग्जाम रिलैक्सेशन और